हेलो क्रिकेट बड़ीज, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं माई क्रिकेट बड़ी। तो दोस्तों, आईपीएल का पहला मैच खत्म हो चुका है और काफ़ी हद तक जिन्होंने कितना भी एक्सपेक्टेशन किया था हाई स्कोरिंग गेम की, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पूरे मैच की सिचुएशन, मतलब कहाँ पे क्या हुआ, कैसा टर्न में ट्विस्ट आए, उसके बारे में। फिर बाद में बात करते हैं कि इससे क्या लर्निंग मिलती है। हालांकि आप भी कभी मैचेस तो आपके भी चल रहे होंगे, आप भी एक प्लेयर होंगे, तो आपके लिए भी ये टिप काम आ सकती है, क्योंकि ये क्या एक शॉर्ट फॉर्मेट है और आप भी 2020 खेलते होंगे, तो इसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मैच की। तो सबसे पहले टॉस जीता एमएस धोनी ने, यहाँ पे बॉलिंग का किया फैसला। हालांकि हमने प्रिडिक्ट किया था कि जो भी टीम जीतेगी वो बैटिंग करेगी, क्योंकि यार ड्यू फैक्टर आएगा, लास्ट दो दिन में आया था, तो इसलिए उन्होंने बॉलिंग प्रीफर किया, जो कि काफ़ी अच्छा कॉल था। और बॉलिंग लेने के बाद यहाँ पे पहले स्पेल में हरभजन ने पूरा क्लीन स्वीप कर दिया और बोल दिया कि भाई ये मैच पूरी की पूरी सीएसके की झोली में ही डाल दी। तो या फिर तीन विकेट लिए और उसमें से दो बड़े विकेट लिए, एक तो विराट कोहली का, फिर बाद में एबी डिविलियर्स का, और बाद में मोइन अली का भी विकेट लिया, और फिर बाद में यहाँ पे इमरान ताहिर ने भी तीन विकेट झटके और जडेजा ने भी दो विकेट लिए। तो काफ़ी हद तक अच्छी बॉलिंग रही और काफ़ी कम टोटल बना, यानी कि 70 रन का ही टोटल था, जो कि आसानी से चेज हो गया। हालांकि यजवेंद्र चहल ने एक विकेट ली और वो शेन वॉटसन को बोल्ड किया, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं, तो हालांकि सीएसके आराम से मैच जीत गई, और फिर अब बात करते हैं कि इससे क्या लर्निंग मिली। देखो यहाँ पे बॉलिंग चल रही थी जब, तो पहले स्पेल में हरभजन ने बॉलिंग की तो काफ़ी अच्छा बॉल जा रहा था, यानी कि बॉल थोड़ा सा पिच में रुक के आ रहा था, तो धोनी ने क्या किया, सीधा स्पिनर्स को ही लगा दिया। फिर आपने देखा होगा कि सुरेश रैना, जो कि पिछली बार ओवर नहीं डाल रहे थे, तो आज ओवर उन्होंने भी डाले, फिर जडेजा को भी दे दी, फिर इमरान ताहिर को भी बॉलिंग दे दी। तो ये लर्निंग है कि यहाँ पे देखो आपको पिच को भी रीड करना पड़ेगा। हालांकि जब बॉलिंग चल रही थी तो काफ़ी अच्छे से सब लोग रीड कर रहे थे कि बॉल फंस के आ रहा था, हालांकि आरसीबी के बैट्समैन इतना जल्दी रीड नहीं कर पाए और काफ़ी जल्दी आउट हो गए, तो काफ़ी कम टोटल बना। तो अब लर्निंग ये है कि पिच को भी आपको रीड करना है, वो सबसे बड़ी लर्निंग है। कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, और इसको टू वे रखते हैं यार, कि आप भी बोलो कि आपको क्या लर्निंग मिली पहले मैच से, तो काफ़ी मज़ा आएगा मुझे भी। आप नीचे कमेंट करो और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे बताना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये बटन देख रहे हो ना, गुस्से से कितना लाल हो चुका है, बस एक क्लिक कर दो और इसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा।